इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार से आने वाली नई शिक्षक भर्ती की प्रवक्ता सिलेबस के बारे में। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो प्रवक्ता के ही हैं और अच्छी वैकेंसीज हैं आपके लिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिटेल से प्रवक्ता भर्ती का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कट ऑफ कितना जाता है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आप लोग ये सिलेबस देख पा रहे होंगे, सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें सबसे पहले आवेदन करने के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए संबंधित विषय से। दूसरी बात, यहाँ पर बीएड होना चाहिए। तो ये तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर आपके पास एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट का पेपर टू आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। एक महत्वपूर्ण बात, एज को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम जो एज है रखी गई वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 37 ईयर्स है अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन जो अनारक्षित की महिलाएं हैं, अदर स्टेट की महिलाएं हैं, उनके लिए 40 साल रहेगी मैक्सिमम एज। जो बिहार के एससी एसटी कैंडिडेट हैं पुरुष महिला, उनके लिए 42 वर्ष रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एज हो गई। एज की गणना जो है, ये जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम आपको पता चलेगा किस डेट से एज काउंट की जा रही है। तो क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के प्रश्न हो, क्या सीटेट वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे? तो आपको बता दें, अगर आपने सीटेट पेपर टू क्वालिफाई किया हुआ जूनियर लेवल का, तो यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसीज भी आ रही हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप टीजीटी का एग्जाम पैटर्न समझना चाहते हैं तो उसका डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं एंड स्क्रीन पर, और कार्ड वाले बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट पर जा करके बिहार गवर्नमेंट जॉब्स की, उसमें देख सकते हो। चलिए बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें, कोई प्री मेंस का चक्कर नहीं है, सिर्फ एक ही आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है, कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है, सिर्फ एक ही रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होना है, एक ही परीक्षा है। ठीक है, तो परीक्षा कैसी होगी उसको समझते हैं। परीक्षा जो आपकी होगी ये बहुविकल्पी टाइप की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो पैटर्न है, कितने पेपर रहेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर आपके दो पेपर रहेंगे, ठीक है, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जो कि आपका भाषा अर्हता का पेपर है। इसमें कुल प्रश्न की बात करते हैं तो ये 100 प्रश्न होंगे कुल, आपको नंबर भी 100 नंबर का होगा, मतलब एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा। और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, टाइम पर्याप्त मिलेगा आपको। और ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसको पास करना अनिवार्य है। अगर आप इसको पास नहीं कर पाते हैं तो आपका दूसरा जो पेपर वो चेक ही नहीं किया जाएगा, और ना ही इसके जो मार्क्स हैं मेरिट में जोड़े जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पेपर वन है भाषा आला, इसमें दो भाग होंगे, इसके भाग एक में 25 क्वेश्चन और भाग दो में 75 क्वेश्चन। ठीक है, भाग एक जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे ये आपका अंग्रेजी भाषा से संबंधित होगा, और भाग दो जिसमें 75 क्वेश्चन है ये आपका हिंदी भाषा, उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, इन तीनों में से कोई भी एक भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। अब कौन सी भाषा होगी ये आपको खुद चूज करना, कि आप हिंदी ले रहे हैं कि उर्दू ले रहे हैं कि बांग्ला ले रहे हैं। जिसमें आपकी कमांड है, पकड़ है, आप उस भाषा को चुन सकते हैं और उसके प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका हो गया पेपर वन भाषा वाला। और आपको बता दें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप तुक्का भी लगा सकते हैं। और इसको क्वालिफाई करने के लिए 30% यानी कि 30% अंक लेकर के आना कंपलसरी है। 100 नंबर का पेपर होगा तो मिनिमम 30 नंबर चाहिए ही चाहिए, 30 से कम आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, 30 से ऊपर आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पेपर टू की कॉपी जांचने के लिए, जांचने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्वालिफाई करना ही करना है, मिनिमम 30 नंबर लाने ही लाने हैं।
चाहे आप 30 लाओ, चाहे 50 लाओ, चाहे 70 लाओ, चाहे 100 लाओ, ये मार्क्स आपके जो है मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई पेपर वन की। अब हम बात करते हैं पेपर टू की। तो पेपर टू जो होगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका होगा 120 नंबर का, ठीक है। इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और इसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगा यहाँ पर। और ये आपका जो पेपर टू है, ये विषय आपके और सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। आपने जिस विषय के लिए आवेदन किया है उस विषय से संबंधित और जीएस के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। मेरिट आपकी इसी पेपर के हिसाब से ही बनेगी, पेपर टू के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए, जो भाग एक है और भाग दो है, तो भाग एक में 80 प्रश्न रहेंगे, भाग दो में 40 प्रश्न रहेंगे। इस तरीके से टोटल 120 प्रश्न बन जाएंगे। तो जो भाग ए है, ये आपका विषय से संबंधित है। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया उस विषय से संबंधित यहाँ पर जो है प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने राजनीति विज्ञान के लिए आवेदन किया, तो आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। और इस प्रवक्ता भर्ती में कौन कौन से विषय अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बहुत सारे विषय हैं। तो इनमें से किसी भी एक विषय के लिए आप आवेदन करेंगे, तो जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उसे संबंधित आपके पास 80 प्रश्न आएंगे भाग फर्स्ट में। अब जो भाग दो है, ये आपका एक सामान्य अध्ययन का पेपर है और इसके 40 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है वो देख लो यहाँ पर। आपको पढ़ना रहेगा प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। ये सारे प्रश्न आपको इस तरीके से टॉपिक पर पढ़ने होंगे, तो भाग दो हो जाएगा। साथ में बताया गया जो आपका भाग फर्स्ट है, जो आपके विषय से संबंधित है, इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये आपका पीजी लेवल का होगा, यानी जो आपका न्यूनतम अर्हता है। अर्हता क्या है? पीजी पास ही है, तो उस लेवल का आपका होगा। यानी कि आपको थोड़ा सा कठिन प्रश्नों की तैयारी करनी होगी और एनसीईआरटी पुस्तकों से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस आपका एनसीईआरटी से ही संबंधित होगा। और आपको बता दें कि इस भाग में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। हालांकि जब पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से, उस समय कहा गया था कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन बाद में इस निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाई होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए आपको पेपर टू में। तो पेपर टू में जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो है मिनिमम 40% पासिंग मार्क सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार से रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 36.5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इन और महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर जो है 32% है। तो महिलाएं कहीं से भी बिलोंग करती हों, चाहे जनरल में हों या कहीं पर हों, उनके लिए आपका जो रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पीजीटी में 2 सब्जेक्ट से एमए किया होता है या एमएससी किया होता है, तब वो चाहते हैं कि 2 विषय से प्रवक्ता में आवेदन कर दें। तो यहाँ पर आपके लिए बताया गया कि आप 2 विषय में तभी आवेदन कर सकते हैं जब एस्टेट भी आपने 2 विषयों में पास किया हुआ है। अगर आप एस्टेट 1 विषय में पास हैं तो आप 1 ही विषय का फॉर्म भर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जितने सब्जेक्ट में आपने एस्टेट पास किया हुआ पेपर टू, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आवेदन करना है। अगर आपने भले पीजी किया हुआ है और आपने एस्टेट पास नहीं किया हुआ उस विषय से, तो आप उस विषय के लिए फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान से देख लेना, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। पेपर टू यानी 120 नंबर के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, भाषा के यहाँ पर जो अंक है वो नहीं जुड़ेंगे। तो 120 नंबर के हिसाब से अगर जनरल छात्रों की बात करते हैं तो 40% पास मार्किंग बनता, तो यहाँ पर 48 अंक आ जाता है। लेकिन आपको बता दें, पिछली जो बीपीएससी भर्ती हुई है इसमें बहुत से छात्र जो हैं 39 नंबर पर क्वालिफाई हुए हैं जनरल छात्र। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार के पास स्टूडेंट थे नहीं, तो सरकार और बीपीएससी ने निर्णय लिया कि हम 75% छात्रों को क्वालिफाई करेंगे। इस वजह से 39 नंबर पर जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए हैं। लेकिन इस बार एस्टेट की पर्याप्त संख्या
बिहार में अवेलेबल है, अदर स्टेट में अवेलेबल है, तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और सरकार कहना, बीपीएससी कहना है कि इस बार हम पेपर थोड़ा इजी बनाएंगे, ताकि जो मिनिमम 48 नंबर का पासिंग मार्क है उससे नीचे मेरिट गिराना ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। बीपीएससी की नोटिस ऑलरेडी जारी कर दी गई, मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।